Welcome back to Iske Mane Kis, and we're back again with another chapter for JEE and NEET. And today what we are going to cover about is first law of thermodynamics. That is what we are going to cover in today's video and one shot. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट वीडियो इन दिस सेक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया था. एज वी नो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कि अगर कोई भी बॉडी ए किसी दूसरी बॉडी बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में एंड बी भी किसी दूसरी बॉडी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में, सो दैट ओनली कंक्लूड्स कि ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. And it is a very central concept to the entire say laws of thermodynamics. That is the reason it was known as zeroth law of thermodynamics. And now we are going to cover up the next thing, that is the first law of thermodynamics. तो उससे पहले हमें ये जान लेना होगा thermodynamic systems and thermodynamic processes क्या होते हैं. तो कुछ ऐसे systems जिनमें वो potential होती है जो कि एक्सचेंज कर सकते हैं हीट अपनी सराउंडिंग के साथ, उन्हें हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कहते हैं. एंड जब भी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट में चेंज होता है, यानी कि उसके स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, दैट इज द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड समटाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ यू आर कंसिडरिंग द केस ऑफ एन आइडियल गैस, क्योंकि हम एडिशनल गैस इंक्लूड कर सकते हैं या फिर गैस को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो वी आर एडिंग एन और वी आर सब्ट्रैक्टिंग एन. तो इस केस में जब भी किसी भी सिस्टम के स्टेट में चेंज होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, तो एक ऐसे प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में है. यहाँ पे दो मेन क्वांटिटीज की डिस्कशन होती है, डब्ल्यू और क्यू. एज फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टडी ऑफ मैकेनिक्स हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू इज द वर्क डन, बट इस केस में हमें समझना पड़ेगा W कौन सा वर्क है. W ये वर्क है जो कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने सराउंडिंग के अगेंस्ट करता है. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि एक किसी भी प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल पे कैप्ट है. अगर मैंने उस पर फोर्स लगाया एंड उसे एक्सेलरेट किया, सो थ्रू अ डिस्टेंस dx हम लोग वर्क डन डिफाइन करते हैं एज द इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2 fdx, या फिर नॉर्मली इंटीग्रल fdx अगर x1 एंड x2 स्पेसिफाइड नहीं है. तो ये जो वर्क डन है ये हम लोगों ने किया ऑन दैट ब्लॉक. वैसे ही इन एनी थर्मोडायनेमिक्स स्टेट चेंज किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग जिससे या तो ये हीट एनर्जी ले रहा है या फिर उसे हीट एनर्जी दे रहा है, तो उस पर वर्क कर सकता है. सो रिमेंबर डब्ल्यू इज नॉट द वर्क डन ऑन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम. W is the work done by the system on the surroundings, on the surroundings. And जो हमारी दूसरी क्वांटिटी है Q, ये है हमारी हीट exchanged. कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कितनी हीट एक्सचेंज हुई है इन दिस काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट. अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर लें, सो जब हमारा सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स पे वर्क करता है तब उस केस में W हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. जब सराउंडिंग्स हमारे सिस्टम पे वर्क करती है तब उस केस में W नेगेटिव हो जाता है. व्हाइल एज टॉकिंग फॉर क्यू, जब इस सिस्टम के अंदर हीट ऐड किया जाता है, दैट इज एनर्जी ऐड की जाती है जिसे हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, तब हीट एनर्जी दैट इज जस्ट द एनर्जी इन ट्रांजिट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. व्हाइल जब इस सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं तब क्यू को नेगेटिव लेंगे. दीज आर द साइन कन्वेंशंस दैट विल बी फॉलोइंग in our studies of first law of thermodynamics and even in the second law of thermodynamics जो कि upcoming videos में होगा. तो ये हम लोगों ने discussion कर लिया about W and Q. Now let's talk about something further. This was about sign conventions and introducing two of the major concepts in the first law of thermodynamics जो कि बहुत ही useful होंगे. And now let's discuss about W in particular. कि अगर हमारे पास एक thermodynamic process है जिसमें एक thermodynamic state change of a thermodynamic system हो रही है, तो उस केस में W को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो इसके लिए मैं एक आइडियल गैस ले लेता हूं. हमारे पास यहाँ पे एक आइडियल गैस है जिससे एक पिस्टन अटैच्ड है जो कि इसके प्रेशर एंड वॉल्यूम को बेसिकली कंट्रोल करता है. अब मैंने क्या किया कि आई हैव लेट दिस गैस एक्सपैंड एज मच एज इट एक्चुअली वॉन्ट्स टू. कि अगर इस गैस को एक्सपैंड करना है तो I am letting really this gas expand. उस केस में क्या होगा, सिंस हमारे जो भी रैंडम मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स
फ्रीक्वेंटली ये सारे मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में रैंडमली इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे ओवर एन एरिया ए, तो यहाँ पे एक नेट फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी जिसके वजह से इस पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन किया में एक फोर्स की वजह से पिस्टन पे प्रेशर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से अगर मैं क्यू को यहाँ पे कुछ ना करूँ, यानी कि ये जो सराउंडिंग है एंड ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, ऑल दैट आई नीड इज डब्ल्यू, तो ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये अपनी सराउंडिंग पे एक वर्क कर रहा है। सिंस जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा बेसिकली क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहां से हमें पता चल सकता है कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमें पता चला कि W इज बेसिकली व्हाट, W हमारा पॉजिटिव होगा। सो जब भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स पे वर्क करता है तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो इंक्रीज करता है। ऑल्सो इसको रिलेट भी किया जा सकता है, अगर मैं ले लूँ एक छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू विच इज हैपनिंग ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ द फोर्स, ड्यू टू अ फोर्स विच इज एफ जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी एक्स, जब ये एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से डिस्प्लेस हो रहा है तब इस डी एक्स को मैं आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इज द प्रेशर टाइम्स एरिया, तो इसको मैं प्रेशर टाइम्स में एरिया टाइम्स में डी एक्स लिख सकता हूँ, एंड ये एरिया टाइम्स डी एक्स, ये वाला एरिया दिस एरिया टाइम्स में ये डी एक्स इज बेसिकली वॉट द वॉल्यूम थ्रू विच द गैस हैज एक्सपैंडेड। अगर मैं इस लेंथ डी एक्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो इट इज द वॉल्यूम थ्रू विच द गैस हैज एक्सपैंडेड, मतलब डी डब्ल्यू इज नथिंग बट पी टाइम्स डी वी। सो हमें पता चल रहा है कि डब्ल्यू इज द इंटीग्रल पी डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल रहा है विच रिलेट्स द वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग्स, जो कि इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेट करेगा, दैट इज प्रेशर विच इज रियली अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड द वॉल्यूम चेंज। रिमेंबर इट इज नॉट ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चेंज है क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज होगा तभी ये वर्क कर सकता है। इन केसेस अगर आप देखो कि हीट एक्सचेंज हो रही है लेकिन फिर भी कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, उस केस में ये सिस्टम कोई भी वर्क नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे देयर कैन बी वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स एंड देयर कैन बी ऑल्सो हीट एक्सचेंज। सिंस नाउ वी हैव कम टू नो अबाउट दिस इक्वेशन, नाउ लेट्स कम इनटू द एक्चुअल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग एक्चुअल में इक्वेशन एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी सिंस हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जस्ट जब हम लोग इसमें हीट ऐड करें सो वी से कि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब इससे हीट एक्सट्रैक्ट करें तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसकी एनर्जी एट एनी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट जीरो नहीं हो सकती, ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम कोलिजन कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी समहाउ कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी भी नहीं कह सकते, बल्कि रादर ये सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस उनके इंटरैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी है, जैसे यू से विच मैनी टाइम्स यू माइट कन्फ्यूज विथ पोटेंशियल एनर्जी बट इट इज नॉट एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी, तो इसे यू से डिनोट करते हैं। जब भी हमने इसमें हीट ऐड किया तो उससे क्या होता है, सिंस वी नो टेम्परेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से मोर रैंडमली एंड फ्रीक्वेंटली ये सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड इवन विद ईच अदर, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वाइल जब भी ये वर्क करेगा अगेंस्ट द सिस्टम, जब हमारा वर्क होगा बाय द सिस्टम सॉरी अगेंस्ट द सराउंडिंग, तो इस केस में सिंस व्हाट वी कैन से इज इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो एट द सेम टेम्परेचर, अगर वहां पे क्यू एक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे एक्चुअल में क्यू हम लोगों ने कुछ इनपुट नहीं किया, तो एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वर्क डन, सो अगर वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव है सो व्हाट वी कैन से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो दैट इज द थिंग, इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में रिलेटेड होती है विद टेम्परेचर बट विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट लेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी डिफाइन द टर्म
change in internal energy, which is really significant in comparison to internal energy itself. For a change from a thermodynamic system, कि एक thermodynamic state 1 से 2 में अगर एक change in internal energy define करें, that is U2 minus U1, ये हम लोग लिखते हैं, the heat added to that system minus में the work done by the system. क्योंकि अगर हीट हम लोग ऐड करते हैं टू दैट सिस्टम, वी नो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर वो सिस्टम वर्क कर रहा है तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर एक्चुअल में विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम नहीं रहता है, बट इवन दो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड. अब हाँ, नाउ लिसन कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं अबाउट पाथ्स इन एनी थर्मोडायनेमिक से प्रोसेस. अबाउट पाथ्स, ये वो बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ना एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को प्रोसीड करा है. ये ना पाथ जो होते हैं, लाइक से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक पीवी डायग्राम. यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम. सिंस वी नो कि डब्ल्यू इज इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 PdV बिटवीन एनी टू वॉल्यूम्स V1 एंड V2, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से कोई भी कर्व ड्रॉ करूँ, तो उसका एरिया अंडर कर्व बिटवीन दोज टू वॉल्यूम क्या होगा, द वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2 बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स या फिर अगेंस्ट द सराउंडिंग्स. सो दैट इज प्रेशर वॉल्यूम क्या, जो एरिया अंडर कर्व होता है ये वर्क डन होता है. तो अगर मैं यहाँ से बेसिकली क्या बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रेशर है एंड यहाँ पे मेरे पास एक प्रेशर वॉल्यूम है, यहाँ पे एक प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पे एक प्रेशर वॉल्यूम, तो मैं यहाँ से इस स्टेट से इस स्टेट तक कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में जा सकता हूँ. एक्चुअल में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, बट वी वॉन्ट कंसिडर दैट काइंड ऑफ इनफाइनाइट वाली पॉसिबिलिटी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक एट द प्रेशर एंड वॉल्यूम. इसको बोल देते हैं P1, इसको V1, ऑल्सो दिस इज P2, दिस इज V2. तो मुझे P1, मुझे V1 rather, अगर x एक्सिस को फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करें, V1 कॉमा P1 से मुझे V2 कॉमा P2 तक जाना है, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं. मैं ये कर सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपनी प्रेशर डिक्रीज कर सकता हूँ एंड उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे अपनी वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ. तो मैं V1 कॉमा P1 से V2 कॉमा P2 तक पहुंच गया. कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रखा, प्रेशर डिक्रीज हो गए, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या किया मैंने, प्रेशर डिक्रीज कर दिया. ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक ऐसा भी मेथड है कि मैं यहाँ से सीधे एक स्ट्रेट लाइन से जा रहा हूँ. ऑल्दो स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ वेरी यू कैन से प्रैक्टिकल मेथड, ये राधा एक कर्व की तरह ड्रॉ होता है. सो यहाँ से हम लोगों ने ओनली देखा तीन पॉसिबल वेज है, दिस दिस एंड दिस. इसमें ये जो वेज है ना, इन्हें ही हम पाथ्स कहते हैं. हम लोगों ने थ्री डिफरेंट पाथ्स यहाँ पे लोकेट किए हैं कि थ्री डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं टू गो फ्रॉम दिस स्टेट of the thermodynamic system to this that state of the thermodynamic systems. And the fun and the complicated thing is ki each different path ke liye hame different amount ki heat energy input karni padegi ya fir extract karni padegi, and ye system different amount ka work karega. Yani ki ye jo Q and W hai na, ye actual mein path dependent hai. Agar टोटल बात करें, टोटल तो उसमें हीट एनर्जी एंड वर्क डन पाथ पे डिपेंड करते हैं कि हम इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किस पाथ से ले जा रहे हैं. लेट मी टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट बी वॉन्डरिंग कि अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ही हम लोगों ने प्रेशर डिक्रीज किया. दिस कैन बी डन कि हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस कि नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सिंस वी नो कि पीवी इक्वल्स एनआरटी, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम एनआरटी के इक्वल होता है. तो अगर मैंने प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर दूँ कीपिंग द वॉल्यूम सेम, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. एंड राइट नेक्स्ट आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, सिंस अब मेरा प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, अब मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है. सो यहाँ से हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं, फिर वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. लेकिन अगर यही मैं कंपेयर करूं विद द अदर थिंग
कि मैं इस स्टेप से ले जा रहा हूँ, तो क्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. एंड वही थ्रू दिस स्टेप कि मैंने सीधे V1 P1 से V2 P2 चला गया, तो उसमें भी डिफरेंट हो जाएगी. दैट इज द थिंग. एंड यहाँ पे ऑल्सो वी कैन लुक द एरिया एंड द कर्व ऑफ दीज ग्राफ्स इज वॉट इज द वर्क डन. एंड सिंस हम लोग देखते हैं कि ईच डिफरेंट केस में, ईच डिफरेंट पाथ से हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू मिलेगी, बिकॉज दीज आर डिफरेंट कर्व्स. तो क्यू एंड डब्ल्यू हमारे बेसिकली पाथ डिपेंडेंट हैं, डिपेंड करता है आप किस पाथ से इस प्रोसेस को प्रोसीड करा रहे हो. बट द इंटरेस्टिंग एंड सिंपल फैक्ट इज कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ये हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है. एंड दैट इज वॉट मोस्ट पीपल विल एक्सेप्ट फॉर फिजिक्स टू बी दिस सिंपल, कि दिस रियली शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट. डेल्टा यू पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एट एवरी स्पेसिफिक इंस्टेंट हम एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम को असाइन कर सकते हैं, एंड उसे रेफरेंस लेके एट अदर इंस्टेंस दूसरी काइंड की इंटरनल एनर्जी, दूसरी एट अदर इंस्टेंस इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ऑल द क्यू एंड डब्ल्यू हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन इनका जो डिफरेंस होता है ये हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है. दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो ऑल ऑफ दिस हैज बीन कम्प्लीटली फिल्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉप ऑल ऑफ इट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. All right, and now we are back once again. And अब हम लोग discuss कर लेते हैं about the equation that we have just seen, कि delta u equals q minus w, इसी को infinite is a infinite decimal form में लिखें. So this is कि du equals dq minus dw. So both are just the equations. बस ये for more of macroscopic changes के लिए, while this is for infinitesimal changes. तो ये जो हमारी equation है, this itself is called the first law of thermodynamics. यही equation first law of thermodynamics है. इसको अगर rearrange करें, so we can also look कि जो हमारी heat added in our system होती है, that is the change in internal energy plus the work done by the system on the surrounding, that is another form of first law of thermodynamics. Infinitesimal form में this is the first law of thermodynamics. तो ये हम लोगों ने देख लिया. Now let's discuss a little about cyclic processes. साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं एंड इजोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं. वेल साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि से किसी स्टेट वन से टू पे गए एंड टू से वापस वन पे आ गए. मतलब यहाँ पे एक चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, लेकिन पूरे प्रोसेस होने के बाद ये सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया. ये वन से टू पे गए, टू से थ्री पे गए, थ्री से फोर पे, एंड फोर से फिर से वन पे आ गए. इस केस में सिंस वी नो कि जो हमारे डेल्टा यू होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली ये सिस्टम के उस स्टेट को बिलोंग करती है, नॉट टू द पाथ इटसेल्फ, अनलाइक विच इज जैसे क्यू एंड डब्ल्यू पाथ पे डिपेंड करते हैं. सो यहाँ पे वापस उसी स्टेट पे आ गई. सो डेल्टा यू इज जीरो. मतलब अगर सिंस यहाँ पे एक्चुअल में चेंज इन एनर्जी हो रहा है, वर्क हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये सिस्टम पे गया था, क्यू एंड डब्ल्यू आर एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट, तो यहाँ से डेल्टा यू अगर हम लोग जीरो रख दें, मतलब जितनी एनर्जी हम लोगों ने हीट के फॉर्म में ऐड की, उतनी ही एनर्जी इस सिस्टम ने रिलीज कर दी वर्क के फॉर्म में, उतना ही वर्क कर दिया. दिस इज द केस ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये वापस उसी स्टेट में आ जाता है. डेल्टा यू यहाँ पे हमेशा जीरो होगा, क्यू इक्वल्स डब्ल्यू. एक इजोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे क्या होता है, डब्ल्यू भी जीरो होता है, ये सिस्टम कोई वर्क नहीं करेगा, क्यू भी जीरो होता है, मतलब कोई ये इंटरैक्शन करता ही नहीं है. यहाँ पे भी हमेशा डेल्टा यू जीरो ही होगा, यहाँ पे भी डेल्टा यू जीरो होगा. डिफरेंस दोनों केसेस में है, इजोलेटेड सिस्टम है, इजोलेटेड सिस्टम दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वर्क करने के बाद, हीट ऐड करने के बाद ये वापस उसी स्टेट में आ गया, फिर डेल्टा यू जीरो हुआ, यहाँ पे बिना किसी वर्क या हीट के वापस आ गया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू स्पेशल केसेस, जैसे अडायबेटिक प्रोसेस एंड देयर इज इजोबारिक प्रोसेस, इजोथर्मल प्रोसेस एंड इजोकोरिक प्रोसेस, जिसे इजो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद एन अडायबेटिक प्रोसेस, एन अडायबायोटिक प्रोसेस, ये हम लोग एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन करते हैं जब इस ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसमें ना ही हम लोगों ने कोई हीट
ऐड किया ना ही इससे कोई हीट सब्ट्रैक्ट किया या फिर एक्सट्रैक्ट किया, मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे जितना भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, जो भी चेंज होगा, ये सारे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग की वजह से होता है। मतलब अगर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, नेगेटिव हो रहा है तो इंक्रीज करेगी। बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्यू हम लोगों ने जीरो रख दिया, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा यू इज ओनली नेगेटिव डब्ल्यू, ये हम लोग अडायबैटिक प्रोसेस कहते हैं, राइट। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, लाइक इजोबारिक प्रोसेस। इजोबारिक प्रोसेस, इजोबारिक प्रोसेस में हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हीट एनर्जी की एक्सचेंज को जीरो रख दिया। इजोबारिक प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, दैट विल ओनली इंप्लाई कि जो हमारा वर्क डन होता है, सिंस इट इज इंटीग्रल पी डीवी, राइट। तो यहाँ से प्रेशर को बाहर निकाले, इंटीग्रल वी वन टू वी टू डीवी हो गया, दैट इज ये वर्क डन हम लोग सिंपली पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं करेगा। ऐसे प्रोसेस को क्रिएट किया जा सकता है, एज आई हैड ऑलरेडी शोन यू व्हेन आई वाज ड्राइंग द पीवी डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग पार्ट्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो वर्क होता है दैट इज पी डेल्टा वी, बट इट डजंट गारंटी हियर कि क्यू जीरो होगा। ऑल इट कैन से कि डब्ल्यू इक्वल्स सिंपली पी डेल्टा वी। एक केस हो सकता है इजोथर्मल प्रोसेस। इजोथर्मल प्रोसेस, इजोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहां पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ये हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, सो इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है। तो अगर Q एंड W हो भी रहे हैं तो यहाँ पे Q सिंपली इक्वल्स W, दैट इज अ थिंग। एंड जो हमारा दूसरा काइंड का प्रोसेस आता है, एक्चुअली में सॉरी फोर्थ राइट, या इजो वॉल्यूमेट्रिक या फिर इजोकोरिक प्रोसेस। इजोकोरिक प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो, वॉल्यूम कांस्टेंट। एक ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, रिमेंबर आई टोल्ड यू, तब वर्क नहीं हो सकता। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब वर्क जीरो होगा, इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये हीट ऐड करोगे इंक्रीज करेगी, सब्ट्रैक्ट करोगे डिक्रीज करेगी, दैट इज व्हाट इट सेज। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे कंक्लूजन है इन जस्ट केसेस की आपको दिख रहा है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, यू कैन अप्लाई क्वेश्चन फॉर इजोबारिक प्रोसेस, राइट। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, so don't try to ignore it, these are really important special cases. also जो PV diagrams होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ PV diagrams भी draw करें तो उसमें ना जैसे से isobaric process के लिए अगर हम लोग pressure constant रख रहे हैं, so this kind of curve जो कि बन रहा है that is an is called an isobar. वही अगर हम लोगों ने Q equals zero रख दिया एक ऐसे PV diagram में, which curve is getting made formed, that is called an adiabat. अगर हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया और इन अ पीवी डायग्राम, तो वो काइंड का जो कर्व बनता है या फिर लाइन बनती है, इसे हम लोग एक इजोथर्म कहते हैं। एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे इट इज कॉल्ड एन इजोकोर। सो दिस इज ऑल्सो सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड सिंस ऑल ऑफ इट हैज अगेन बीन फिल्ड अप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब ऑल ऑफ इट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर एंड लुक एट अदर न्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। All right, and now we are back once again, and अब हम लोग discuss कर लेते हैं a little bit about heat capacities for gases and specifically for ideal gases. यहाँ पे heat capacities की बात करें, so हम लोग दो main kind की heat capacities की बात करते हैं in thermodynamics. एक होती है CP, दूसरी होती है CV. यानी कि the molar heat capacity at constant pressure and the molar heat capacity at constant वॉल्यूम। तो ये CP and CV actual में related होते हैं for any specific kind of ideal गैस। कोई भी आइडियल गैस में सीपी सीवी रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कीप नोट कि ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है एंड ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है। अब किसी भी आइडियल गैस के लिए देखें
तो यहाँ पे ना जो कांस्टेंट प्रेशर के लिए मोलर हीट कैपेसिटी होती है, ये हमेशा उस आइडियल गैस के कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस द गैस कांस्टेंट के लिए इक्वल होती है। दिस इक्वेशन ऑलवेज होल्ड्स। आप कोई भी काइंड की आइडियल गैस ले लो, फॉर एनी आइडियल गैस, रिमेंबर कि ये गैस आइडियल होनी चाहिए, कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, जीरो पोटेंशियल एनर्जी फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ ऑफ द आइडियल गैस। यही अगर हम लोग वैल्यूज देखें, एक मोनो एटमिक आइडियल गैस है तो वी नो कि सी वी इक्वल्स 3/2 R, तो वहां से हमें पता चल रहा है कि सी बी इक्वल्स 5/2 R। वही एक डाई एटमिक आइडियल गैस है, सो वी नो कि सी वी इक्वल्स 5/2 R, एंड दैट ओनली इम्प्लाइज कि सी पी हो जाएगा 7/2 times में R। दैट इज द थिंग। सिंस इसकी डेरिवेशन प्रेटी लॉन्ग है, सो आई विल नॉट रियली इन्वेस्ट मच टाइम इन दैट, सिंस द वीडियो इज गोना बी वन शॉट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर जेई एंड नीट। एंड जेई एंड नीट हमसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, रादर इट इज अबाउट हाउ वी आर अप्रोचिंग दीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज दैट वी नो। तो ये हमें सी पी एंड सी वी प्लस आर का पता चल गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल इक्वेशन आई हैव एवर फाउंड इन फिजिक्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे ना अगर हमें किसी भी आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, ऑल वी हैव टू डू दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आइडियल गैस टाइम्स द मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टाइम्स में चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, इसे डिराइव भी इस रिजल्ट को किया जा सकता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ये हमेशा चेंज इन टेम्परेचर से एसोसिएटेड होती है, नॉट इन दैट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दैट इज द थिंग। किसी भी स्पेसिफिक स्टेट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी उस स्पेसिफिक स्टेट के टेम्परेचर से एसोसिएटेड होती है। सो वॉट आई रियली वॉन्ट टू से अबाउट दिस इक्वेशन दैट इज अनबिलीवेबल कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, वेदर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट, कि डजंट मैटर वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट, ये इक्वेशन हम लोग हमेशा यूज कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि वो काइंड की हीट कैपेसिटी है जिसे हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे रखते हैं, सिंस एज इवन इम्प्लाइड बाई इट्स नेम कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ये यूज करो। लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, वेदर द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट और नॉट, हमेशा ये इक्वेशन होल्ड करता है। सो फील फ्री टू यूज दिस इक्वेशन विदाउट एनी हेजिटेशन वेदर द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट इटसेल्फ और नॉट। उसके अलावा वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड गामा, जो कि हमारी फर्दर स्टडी, दैट इज जस्ट वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अडायबैटिक एक्सपेंशन, उसमें बहुत ही यूजफुल होगा। गामा बेसिकली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द रेशियो of heat capacities. This is called the ratio of heat capacities. ये इक्वल होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए, डिफरेंट आइडियल गैसेस के लिए, डिपेंडिंग ये मोनो एटमिक है या फिर डायएटमिक है, ये कॉन्स्टेंट डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर एनी स्पेसिफिक आइडियल गैस ये हमेशा सेम होता है। किसी भी गैस के लिए हम लोग गामा डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज एज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई द मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। फॉर थिंग्स लाइक एयर ये टिपिकली 1.40 के इक्वल होता है। ये हमें यूज होगा इन द नेक्स्ट इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अडायबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस। जो अडायबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेज होती है, यानी कि जहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, रिमेंबर यहाँ पे इट रियली डजेंट मैटर कि हम लोगों ने हीट ट्रांसफर किया है या फिर नहीं किया, फिर भी अगर ये सिस्टम वर्क कर सकता है तब टेम्परेचर में चेंज होगा। इट इज नॉट दैट हीट इज डायरेक्टली ओनली रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर दूसरे भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग अ सब्सटेंस और अ सिस्टम विदाउट एडिंग हीट इन इट, यानी कि दैट इज मच लाइक हम लोग किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं विदाउट इवन एडिंग हीट और एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम इट। ये हो सकता है अगर वो सिस्टम अपने सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करता है या फिर हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं ऑन दैट स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दैट इज द केस ऑफ एन अडायबैटिक एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी दैट इज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज होगा, सो वी आर इधर कंप्रेसिंग द सब्सटेंस और वी आर लेटिंग इट एक्सपैंड। तो इस केस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन काम आते हैं, एक
कि किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे, रिमेम्बर, किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जो प्रेशर होगा टाइम्स में वॉल्यूम पे पार गामा, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम एट दैट इंस्टेंट पे पार गामा, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैसेस, ये हमेशा कांस्टेंट होता है. अगेन वी हैवन डिराइव दीज रिजल्ट्स, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज देम. ये हमेशा कांस्टेंट होता है. दैट इज, अगर मैं बात करूं फॉर स्पेसिफिक टू इंस्टेंस, तो हम लोग, अगर हमें पता है कि ये कैंट का एक अडायबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन है जहाँ पे क्यू जीरो है बट डेल्टा यू इज नॉट जीरो, क्योंकि वर्क होने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है. सो पी वन वी वन पे पार गामा, नेवर फॉरगेट टू इंक्लूड गामा इन इट, इज इक्वल टू पी टू वी टू पे पार गामा, जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. गामा इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज फॉर दैट आइडियल गैस. एक और इक्वेशन इसी फॉर्म का है, द डिफरेंस इज, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है. द टेम्परेचर एट दैट स्टेट क्या होता है, द टेम्परेचर एट दैट स्टेट टाइम्स में वॉल्यूम पे पार गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. रिमेम्बर दैट इज द डिस्टेंस जब हम लोगों ने, सॉरी, डिफरेंस जब हम लोगों ने प्रेशर इंक्लूड किया इज पार गामा, जब वॉल्यूम तो पार गामा माइनस वन. दिस इनडायरेक्टली स्टेट्स की टी वन पे पार वी वन पार टी वन टाइम्स वी वन पे पार गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू पे पार गामा माइनस वन. दैट इज द थिंग. तो ये जो हमारे फोर इक्वेशंस हैं, या फिर इनडायरेक्टली जस्ट टू इक्वेशंस, दीज वर्क फॉर अडायबैटिक, दीज वर्क फॉर अडायबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन. दैट इज द थिंग. एंड फाइनली मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना था अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वी हैव गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ इट. बस हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस नहीं किया लाइक फॉर दिस एंड दीज ऑल स्टफ, बट स्टिल इट वर्क्स सिंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जेईई एंड नीट लुक्स की हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट दोस काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रादर देन हाउ यू आर डिराइविंग देम. लेकिन अगर आप हायर स्टडी करते हो एंड लेटर ऑल्सो आफ्टर जेईई एंड नीट विल ऑल्सो ब्रिंग सम अदर स्टफ लाइक विद ऑल द डेरिवेशंस, बट सिंस करेंटली हमारे वीडियोज are rather focused on one shot videos for JEE and NEET, and that's why we are not going through all the derivation but important concept jo ki helpful honge in improving our problem solving skills. And that was all for today. Thanks to you always, and Jai Hind.